मंडी जिला का जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र उन विधानसभा क्षेत्रों में शामिल है जहां पर मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। अनुमान के अनुसार यहां पर 80,000 से अधिक मतदाता हैं, जबकि विधानसभा क्षेत्र की आबादी 1.5 लाख है। हमने जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से बात करके यहां की समस्याएं जानने का प्रयास किया। साथ ही हमने ये भी जानने का प्रयास किया कि यहां के मतदाता भावी प्रतिनिधि के चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं। हालांकि विधानसभा क्षेत्र में अभी तक विकास के कई कार्य हुए हैं, लेकिन अभी भी यहां पर कुछ करना बाकी है, क्योंकि समय के साथ यहां आबादी भी बढ़ रही है और समस्याएं भी। हमने जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से बात करके यहां की समस्याओं को जानने का प्रयास किया। साथ ही हमने ये भी प्रयास किया कि यहां के मतदाता भावी प्रतिनिधि के चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं। अधिकतर मतदाता ऐसे प्रत्याशी को चुनने वाले हैं जो ईमानदार हो और इलाके का विकास करने के प्रति प्रतिबद्ध हो। जोगिंद्रनगर के मतदाताओं ने विभिन्न समस्याओं को लेकर अपनी बात रखी। मतदाताओं के अनुसार इलाके में अभी भी बड़े संस्थानों का अभाव है, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज, स्वास्थ्य का बड़ा संस्थान, आईपीएच का डिवीजन ऑफिस, बस डिपो और बिजली के बड़े प्रोजेक्ट इत्यादि। इन संस्थाओं के अभाव के कारण इलाके की वैसे प्रगति नहीं हो पा रही है जैसे होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश जन स्वास्थ्य विभाग का हमारे यहाँ पर डिवीजन नहीं है, उसकी भी हमारी बड़ी पुरानी मांग है। अगर यहाँ का विधायक हमारी इन मांगों को प्राथमिकता से लेकर चले तो बहुत अच्छा है। और जैसे कि हमारे लड़ भड़ोल क्षेत्र में पानी की समस्या है, उन समस्याओं को भी साथ में लेकर चले और सब यानी कि हर क्षेत्र का विकास करे और हर क्षेत्र को जानने वाला हो, पहचानने वाला हो और क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करने वाला हो, तो हम ऐसे विधायक को अपने क्षेत्र से प्राथमिकता देना चाहेंगे। देखो सर, हमें ऐसा एक विधायक चाहिए जो कि गरीबों की सुने और गरीबों की सेवा करे और मतलब अच्छा काम करे, अपने इसी इलाके के लिए अच्छा काम करे। जैसे कोई अपने जैसे खेती बाड़ी में जो पशु हैं किसान उसमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके बारे में कुछ सोचे, मतलब ऐसा कुछ सुधार के लिए हम अच्छा आदमी चला चाहते हैं, ईमानदार, मतलब ऐसे विधायक जो ईमानदार हो। जब हमारे गरीबों की सुनता है कोई नहीं, जब कोई विधायक आता है तो हमारे गरीबों की कोई भी नहीं सुनता है। जब चार साल एक साल आता है तो हमारे को पूछते हैं, जब चार पांच साल बीत जाते हैं तो हमारे को कोई नहीं पूछता है कि आपको क्या समस्या है, रस्तों की है, कोई सड़कों की है, कोई खेतियों की है, पानी की है, तो हमारे को कोई नहीं। ऐसा विधायक होना चाहिए कि सभी की सुनो, वो विधायक ऐसा करे कि पूरे गांव की सुनो, पूरे पब्लिक की सुनो, ऐसा नहीं हमारे गांव की सुनो, सभी गांव की सुनो, जिस जिसको कोई प्रॉब्लम है उसकी सभी ये होना चाहिए। जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो स्वास्थ्य सुविधाओं का है। यहां पर एक सिविल हॉस्पिटल है जिसमें लगभग डॉक्टरों के 16 पद जो है वो स्वीकृत हैं प्रदेश सरकार के द्वारा, लेकिन आज तक मेरे ध्यान में ये है कि कभी भी पूरे जो डॉक्टर हैं वो हमारे यहाँ जोगिंद्रनगर अस्पताल में जो हैं अवेलेबल नहीं हो पाए हैं, जिस कारण जो हमारे लगभग 1 लाख से ऊपर की जो यहाँ पे जनसंख्या है इस विधानसभा क्षेत्र जोगिंद्रनगर की, उसे हमेशा बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और एक जोगिंद्रनगर सिविल अस्पताल से मैक्सिमम केसेस जो हैं वो रेफर टांडा होते हैं और इस दौरान बीच में कई बार लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की समस्या है। बेरोजगारी की वजह से नौजवान जो है गलत रास्तों में जा रहे हैं, तो जो भी हमारे नए उम्मीदवार हैं उनसे हम यही निवेदन करते हैं कि वो रोजगार के अच्छे अच्छे अवसर मुहैया कराएं, जिससे कि बेरोजगार जो है गलत दिशा में न जाए। वहीं बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या बनकर यहां सामने आ रही है। इलाके के बेरोजगार युवा मानते हैं कि विधानसभा क्षेत्र में ऐसे प्रोजेक्ट लगाएं जिससे युवाओं को घर द्वार पर रोजगार उपलब्ध हो सके, ताकि उन्हें गलत रास्तों पर भटकने का मौका ही ना मिले। वहीं जोगिंद्रनगर बाजार अब ट्रैफिक के बढ़ते दबाव से मुक्ति पाने की गुहार लगा रहा है, क्योंकि यहां पर ट्रैफिक ने पूरे शहर की रफ्तार रोक रखी है। जोगिंद्रनगर बाजार के बाहर से एक बाईपास की मांग पुरजोर तरीके से उठ रही है, ताकि वाहनों के आने जाने से
कोई परेशान न हो। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी लोगों में नाराजगी देखने को मिली, क्योंकि स्वास्थ्य संस्थाओं में विशेषज्ञ के पद खाली होने के कारण उन्हें टांडा जाना पड़ता है, जो कि यहाँ से काफी दूर है। इसके अलावा बस डिपो न होने के कारण सभी बसें या तो बैजनाथ से आती हैं या फिर मंडी से। इससे ग्रामीण इलाकों को परिवहन की सही सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आपको बता दें कि जोगिंद्रनगर से चुनावी रण में उतरे प्रत्याशियों को मतदाताओं की इन कसौटियों पर खड़ा उतरना होगा। आई एम अ बिजनेस वुमन, सो अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूं तो यहाँ पे ऑप्शंस बहुत कम है। ऑप्शंस इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है। लाइक मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशंस आने चाहिए, कि कोई पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस ही आ जाएं या फिर कोई अच्छा ऐसा इंस्टीट्यूट खुले जिससे कि अच्छी जेंट्री बाहर से आए, सो दैट कि बिजनेस में भी उसके लिए ग्रोथ हो। एंड एक जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है, लाइक व्हेन आई वाज इन द स्कूल तब से हम सुनते आ रहे हैं कि डीएवी आएगा या कोई और अच्छा स्कूल आएगा। तो अब मेरा बेटा भी स्कूल जाना शुरू हो गया, बट अभी तक हमें यहाँ पे कोई अच्छा एक स्कूल नहीं मिल पाया है कि हम सोचें कि हाँ। सो मेरे हिसाब से ये दो सबसे मेजर चीजें हैं जो अपकमिंग एमएलए से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ शहर की ग्रोथ के लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो सोच के कुछ करेंगे शहर के लिए। हम यही उम्मीद रखते हैं, एक तो यहाँ ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा होती है, वो ठीक हो जाए। दूसरा, यहाँ का बस स्टैंड है बहुत छोटा है, वो भी बड़ा होना चाहिए, या जैसे कि बस डिपो बन जाए। तीसरा, यहाँ ट्रैफिक की हमेशा रहती है। और चौथा, जैसे बाईपास की समस्या है वो भी पूरी होनी चाहिए। हम यही करते हैं। दूसरा, रोजगार का साधन होना चाहिए, जैसे आने वाली जनरेशन है उनको एजुकेशन के लिए नई नई चीजें मिलनी चाहिए। इस हिसाब से यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट नहीं है जितनी होनी चाहिए, जितना हम सोचते हैं। मतलब मेरी आने वाले विधायक से यही गुजारिश रहेगी कि यहाँ पर बस डिपो सबसे पहले बनाया जाए, बस डिपो को प्राथमिकता दी जाए। और मतलब जो लोग यहाँ से मंडी जिनको जाना पड़ता है, दूर दराज जो बच्चे हमारे दिल्ली जाना चाहते हैं या कहीं जाना चाहते हैं, तो उनको एक दिन पहले ही यहाँ से जाना पड़ता है। ताकि मतलब मैं ये चाहूंगी कि हमारे जो भी विधानसभा से यहाँ सीट मतलब जीत कर जाते हैं, तो मैं सबसे पहले यही गुजारिश करती हूँ कि बस डिपो जोगिंद्रनगर में खोला जाए।